भैया कहाँ चल दिए, गिनती तो स्टार्ट कर लेते भैया। ओए जैसी मैं भगा मैं चौ चुका स्टार्ट, ओए मैं जीत के रहूंगा। हे भैया तुम नहीं जीत सकते दोस्तों, अभी अपन पार्कोर कर रहे हैं और ये बाप रे इतना बड़ा फुटबॉल आ गया मेरे सामने। हे भैया के मुंह पे पड़ी, मैं तो निकल गया आगे, ये भैया तुम मेरे से पीछे हो। ओए मुंडा मैं तेरे से आगे निकल कर आऊंगा और ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। ए भैया मेरे पीछे आ गए, अरे बाप रे ये क्या पड़ रहा है इधर, तो मुक्के, ये मुक्के कौन मारा, पीस दिया मुझे तो। अरे नहीं ये क्या हो गया, मेरे को तो नीचे गिरा दिया पूरा का पूरा। चलो फाइनली चेक पॉइंट तो मिल गया था। हे भैया ओए मुंडा मैं तो आगे निकल गया। अरे यार मेरा तो ये कचुमड़ बना रहा है, तबे मेरा कैचअप बना दे रहा है बार बार, इस बार निकल जाऊंगा। ये फिर से गया। ओए मुन्ना अच्छा हुआ तेरे सही घुसंड पड़ रहे, आ कैसे लगा। हे भैया चिड़ारा बंद करो यार, भैया तुम तो मेरे से काफी आगे निकल चुके हो। ओए मैं आगे निकल गया हूँ, ओए मैं जीत कर रहूंगा। अरे यार ये कितने खतरनाक मुक्के है यार, मुझे लग रहा है मैं आराम से निकल जाऊंगा। ए फाइनली निकल गया, इससे निकलना मुझे। ये फिर से लगा, वाह पूरा सब कुछ मेरा हिला दिया। ए बाल बाल बच गया। ये क्या ऊपर से गिर रहा यार, इससे भी बच के मुझे निकलना पड़ेगा। फाइनली मैं बच के निकल गया और इधर से निकलना। ये फड़ गया, ये तो बहुत ही तेज मेरे को एम कर दिया पूरा का पूरा। ओए मुन्ना मैं जीतने वाला हूँ, ओए नुबड़ा कहेगा तो पीछे रहेगा। ये इसने तो मेरी बम पे ही मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं अभी तो मैं ट्रैक पे हूँ बचा हुआ। और यहाँ पे चेक पॉइंट, और ये क्या चीज है, पानी का फुहारा निकल रहा है क्या, ये मेरे को ऊपर ले गया। अरे यार मैं तो बहुत ही ऊपर आ गया। हाँ भैया आए मुन्ना देख रहा है तू ये पार नहीं कर पाएगा। ए भैया तुम तो बहुत आगे निकल गए यार, मैं पीछे रह गया। भैया वो पंच वाला बहुत टफ पड़ रहा था मेरे को, बात बाकी तो मैं आराम से पार कर दूंगा। आए चरक करके तो देख ले पता चल जाएगा अभी आगे और कितना टफ है। हे भैया ये तो पार हो गया, ये लगाई मैंने जंप, अरे यार थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने लटक तो गया लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सकता, मुझे दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। ओए मुन्ना टाइम खत्म, तेरा तो टाइम खत्म, मैं जीत चुका हूँ वैसे। ओए ये तो छोड़ तू जीत नहीं पाया लेकिन पार भी नहीं कर पाएगा इसको। हे भैया पार तो कर लूंगा, यहाँ पे स्लाइड है चलो स्लाइड करते है। 14 सेकंड और रह गए यार, ओए मुन्ना तो पार नहीं कर पाएगा पक्का, तू हार चुका है। हे भैया मैं कर लूंगा यार, भैया टेंशन मत लो, यहाँ से मैं स्लाइड लूंगा ना कि ये मुक्के वाला। हे फाइनली भैया ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओए विनर आ गया तेरे सामने, ओए नुबड़ो के छुट्टी कर देता हूँ मैं असली प्रो हूँ। हे दोस्तों आप लोग सोच रहे हो अपन क्या कर रहे हैं, वॉबली लाइफ के अंदर यार एक नया अपडेट आया आर्केड मोड, तो आर्केड मोड में यार दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मिनी गेम्स मिलती है, तो वही अपन मिनी गेम्स खेल रहे हैं। आ जाओ भैया अभी ओपन चैलेंज है, आ जाओ भैया आरटी का चैलेंज देख, अब की तुझे हरा कर आऊंगा। हे दोस्तों अभी अपन कर रहे सेकेंड मिनी गेम, देखते इसमें कौन सी होने वाली, और मैं भी पहली बार आया भैया, ये कैसी गेम है। यू आर ट्रास, भैया मुझे क्यों ट्रास बोल दिया, आए तो कचरा एक नंबर का। और इसमें करना क्या मुन्ना, अबे मैं तो ऊपर हूँ। हे भैया मैं तो मशीन के अंदर हूँ लेकिन इसके अंदर क्या, अरे मशीन चल रही है। ओए मुन्ना मुझे कचरा फेंकना है सारा नीचे इसके अंदर, ओए गार्बेज मशीन के अंदर। हे भैया कचरा फेंकना है, शायद से वो कचरा इधर ही से होके जाएगा। अरे भैया मेरे को लगता है ये टास्क है, मुझे उस कचरे से बचना है जो कि ऊपर भैया से डालेंगे, अरे मतलब भैया ऊपर से डालेंगे। ओए मुझे समझ में आ गया, यहाँ जितना कचरा पड़ा है मुझे सारा तेरे ऊपर फेंकना है ताकि तेरे टकले पे लगे कचरा और तू नीचे गिर जाए और श्रेड हो जाए। हे नहीं भैया ये राउंड तो मैं नहीं हारूंगा, मैं सर्वाइव कर लूंगा वैसे। ओए 2 मिनट तक तेरे को सर्वाइव करना है लेकिन मैं करने नहीं दूंगा, ओए देख रहे तुझे उड़ा के रहूंगा, ये वाला चैलेंज भी मुन्ना मैं ही जीतूंगा। हे भैया तुम नहीं जीत सकते इसमें तो, मेरे को पता कैसे, मेरी आंखें चील की तरह भैया, मैं दूर से ही देख सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ओए तेरी आंखें चील की तरह नहीं, तेरी आंखें उल्लू की तरह, उल्लू। हे भैया उल्लू की तरह नहीं, टाइम बहुत कम है, फाइनली मैं तो जीतने वाला हूँ, लगता है भैया हार जाएंगे। भैया को कुछ मिल नहीं रहा क्या फेंकने के लिए, भैया उठ नहीं रहा क्या तुमसे। ओए रुक जा अभी ये आएगा ना, निशाना लगा रहा हूँ, ये ले। अरे यार बाल बाल बचा, मेरे चेयर तो काफी क्लोज निकल के गई। ओए थोड़ा सा रह गया मुन्ना,
अबे रुको जा, तेरे टकले पे मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा ताकि तेरा खेल खत्म। हे भैया, नहीं हरा पाओगे मुझे। और ठीक है, मैं निशाना बना रहा हूँ, अभी देखते टकले पे गिराने वाला। हे भैया, नहीं गिरा पाओगे। अरे बाप रे, ये क्या था? ओए क्या निशाना लगाया मैंने। फाइनली ये राउंड मैं जीत चुका हूँ, कैसा लगा मुन्ना? अरे यार भैया, ए ट्रांसमैन विंस, ए ट्रांसमैन विन। ओ मैं अंदर था, ये अच्छा नहीं हुआ। ओए कैसा मजा चखा दिया भैया, कौन सी गेम आ चुके? यू आर द शिकार। अरे मुन्ना तो शिकार बन चुका है, तो मुझे हाइड होना है। ओए बाप रे, इतना बड़ा मैप है, मैं तो कहीं भी छुप सकता हूँ। हे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे, और गेम का रूल क्या है वैसे? इधर बॉक्स बना है, हाइडिंग प्लेस पे कहीं भी छुप सकते हैं। सेकंड रूल है कि मुझे उसे पकड़ना है। थर्ड में अगर बंदा भागते रहेगा तो उसकी लोकेशन मुझे पिंग होगी। अगर वो एक जगह पे स्टे कर जाता है तो दोस्तों मुझे उसके खर्राटों की आवाज आएगी। तो गेम का दो फंडा है, अगर ज्यादा ही, जैसे मैं अभी गेम जैसे स्टार्ट होगा, अगर वैसा ही भाई वो भागने लगा ना, ज्यादा तेज भाग रहा है, तो उसकी मतलब कि बोल सकते हो अलार्म बज जाएगा, तो मुझे उसकी लोकेशन ऐसे मिल जाएगी। और अगर वो एक जगह पे चुपचाप सो गया है, मतलब हिल नहीं रहा है, तो उसके सोने की आवाज आएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैप का साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, बाप रे इतने बड़े मैप में मुझे हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी अकेले भैया छुपे पड़े। भैया दोस्त, स्टार्ट करते पहले, एक तो मेरे को मैप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे भैया, मैं सबसे टॉप पे चलता हूँ। ये टॉप पे चेक करते हैं, ये क्या मशीन है? हाँ ये तो कंक्रीट वाली मशीन है। इसके बाद यहाँ पे देखो कितना सारा कंक्रीट बन रहा है। हाँ ये क्या है? ये ऊपर चलते है। आए मुन्ना, तो मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता है, मैं ऐसी जगह छुप चुका हूँ। ये भैया ऐसी बात है क्या? वो तो पता ही चल जाएगा। अगर तुमने खर्राटा लिया तो मुझे पता चल, ओए मैं तो नहीं लूंगा खर्राटा, तो मुझे पकड़ के दिखा, कहाँ पर हूँ मैं? ए भैया रुक जाओ, भी बता रहा तुम्हें। ए दोस्तों, भैया का पता नहीं किधर छुपे पड़े, लेकिन मुझे कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा उन्हें। अगर मैंने ये वाला राउंड भी हार लिया तो भैया की हैट्रिक हो जाएगी। वैसे ये कंटेनर फट रहे हैं क्या? अरे ब्लास्ट की आवाज आई, मेरे को लगता है ये जो मैंने कंटेनर से हाथ लगाया वो ब्लास्ट हो रहा है, इसमें केमिकल है, मेरे को लगता है केमिकल ही होगा। जरा इस पे मैं हाथ लगाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। अरे हाँ ये ब्लास्ट हो रहा है भाई साहब। अगर मैं भैया के ऊपर फेंक दूँ तो भैया का खेल खत्म। ये नीचे गिराता हूँ। अरे अरे अरे, थोड़ा दूर रहता हूँ, बच गया, नहीं तो मेरे ऊपर ही फट जाता। ए यार भैया की कोई मूवमेंट मुझे दिख नहीं रही यार, इतनी दूर से ऊपर से भी कोई खर्राटे की आवाज नहीं। आखिरकार भैया होंगे कहाँ यार? ए पूरा का पूरा मैप तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यार दोस्तों क्या लगता है भैया कहाँ छुपे होंगे? एक एक जगह मुझे छाननी पड़ेगी, पूरी की पूरी जगह देखूंगा। इधर भी नहीं है, हाँ ये वाली जगह पे भैया नहीं है। मुझे लगता है भैया कुछ अजीब सी जगह पे छुपेंगे। इधर भी नहीं है, तो मड है यहाँ पे, ढेर सारी मट्टी पड़ी हुई है, ये कॉन्क्रीट सा। वो तेरे कितनी बड़ी बड़ी मशीन है यहाँ पर, मशीन के अंदर भी नहीं घुस सकते भैया। ये क्या चल रहा है? ओ यहाँ पे ये देख रहा हूँ माइनिंग चल रही है, ये क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? ये कितना तगड़ा काम चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। भैया आखिरकार गए कहाँ होंगे? इस साइड मुझे कहीं नहीं देख रहे। ए भैया इधर नहीं होंगे तो भैया ऊपर हो सकते हैं क्या? ऊपर से तो मैं देख कर आ गया, वैसे एक और बार मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ, शायद इससे ऊपर कोई जगह होगी जहाँ पर भैया छुपे हो, लेकिन देख लेते हैं। नहीं, और मुझे यहाँ पर ड्रम मिला है और रास्ता भी ऊपर जा रहा है, और यह ड्रम बहुत ही डेंजर है भाई, जैसे टकरा रहा हूँ उनसे फट जा रहे हैं वो सब। फाइनली मैं टॉप पर आ गया, लेकिन इधर भी भैया नहीं है, और यहाँ पर यार कुछ भी नहीं है, और भैया मशीन के अंदर तो जा नहीं सकते, नहीं तो उनका खेल ख़त्म हो जाएगा, मशीन के अंदर उनका जूस बन जाएगा। तो मुझे लगता है यह रूम रह गया, चलो इस रूम में चेक कर लेता हूँ। इस साइड तो मैंने सारा चेक कर लिया, इस रूम के अंदर भी इस पाइपों में देख लूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। हे यार भाई, फाइनली भैया का अता पता किधर ही नहीं है, भैया आखिरकार गए कहाँ? मुझे अभी तक देख नहीं रहे। हाँ यार काफ़ी टाइम लग रहा है, टाइम खत्म होने वाला है, 48 सेकंड रह चुका है मेरे पास में। यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा यार, ये क्या है? वो ये मुझे लगता है ये कोई फैक्ट्री है, वो भी कौन सी फैक्ट्री? यहाँ पे ब्रिक्स बन रही है, मतलब कि ईंट दोस्तों, ये देख रहे हो जिससे अपन का घर बनता है, वो वाली ब्रिक्स यहाँ पे बेक हो रही है, मतलब पकाई जा। अरे यहाँ पे कोई दिखा मुझे, अरे ये कौन है? भैया मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये कौन है इनके पीछे छुपा हुआ? फाइनली ये वाला राउंड तो मैं जीत गया भैया, अभी क्या बोलते?
ओए कोई बात नहीं नुबड़े, ये दोस्तों अब बहुत ज्यादा अपन ने गेम खेल लिया, अब अपन करेंगे स्टंट बाजी, क्योंकि ये है सैंडबॉक्स वाला मोड, इसके अंदर अपन कुछ भी फन कर सकते हैं। ये रही मेरा मोस्टर ट्रक, और ये देख मेरा सुपर कार मंगा ली। ए भैया तुम सुपर कार मंगाओ, मैं तो मोस्टर ट्रक से करूंगा। ये देखो क्या मस्त एकदम, ये स्टंट बाजी तो मस्त है इधर। और ये क्या गड्ढा बना रखा है बीच में, चलो यार स्टंट करते हैं। बाप रे मोस्टर ट्रक तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, ए करके रहूंगा इसको कंट्रोल में। ये तो काफी मजेदार है यार, बहुत ही मजा आ रहा है इसके अंदर मुझे। ए भैया आए चुप रहा है, बकरे की तरह बोलने लग गया। ओए बकरी है क्या? हे भैया बकरी नहीं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ यार मॉन्स्टर ट्रक को। ये देखो कितना मजा आ रहा है भैया, इसमें से धुआं कितना निकल रहा है। इससे स्टंट करूंगा, अरे यार इससे स्टंट क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पे मेरे पे स्पॉन की ऑप्शन भी है, मतलब कि मैं वॉबली लाइफ का कोई भी व्हीकल इसमें स्पॉन कर सकता हूँ इस मोड के अंदर। ओ भाई साहब ये तो काफी मजेदार। और यहाँ पे भाई हर तरह के मैं जो प्रॉप्स वगैरह भी है वो भी यहाँ पे ला सकता हूँ वॉबली लाइफ के अंदर। भाई साहब ये तो काफी बढ़िया है। फिलहाल मैंने ये वाली गड्डी मंगाई है जिसकी स्पीड काफी तेज होगी, और भैया ने भी यही मंगा रखे थे। हे अब मैं इससे स्टंट करूंगा। अरे ये क्या था, लगता है मुझे थोड़ा पीछे जाके स्पीड बढ़ा के करना पड़ेगा। देखते कैसे स्टंट होगा। वो जो कि तीन रिंग वाला है मैं उसको पार करने की ट्राई करता हूँ। ये वो दिख गया मुझे, भैया तुम कहाँ पर हो? ओए मैं अपना स्टंट कर रहा हूँ ये करा मैंने स्टंट, लेकिन ये क्या है बीच में थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चले गया, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी मैंने कंप्लीट तो कर ही लिया। अब देखते हैं यहाँ से कितना ऊंचा जंप लगेगा। ये गाड़ी का तो खटारा हो गई, ये गाड़ी के पूरे शीशे से अंचर पंचर सब इसके ढीले हो चुके यार, धुआं वा भी फेंक रही है। और ये वाला भी पार करा मैंने कितने आराम से। अरे बाप रे भैया का एक्सीडेंट हो गया, उनकी गड्डी पलट गई। ए भैया मैं भी आ गया। आइए ले ये ले, ये क्या कर रहे यार, आज तेरे को कचरे में फेंक दूंगा। अच्छा भैया दोस्तों मैंने इसमें यूएफओ मंगा लिया। अरे क्या कर रहे भैया हटाओ इसको, ए मुझे दबा दिया नीचे। ओए दबा दूंगा, हे भैया मैं तो चाह रहा यूएफओ उड़ाने। ओए मैं भी आ रहा, रुक जा अकेले मत चल, मैं आ गया। हे भैया तुम्हें किसने बुलाया, मैं अकेले जाऊंगा, उतरो मेरे से। ओए कैसी बात कर रहा है, मैं भी रहूंगा। ओए यूएफओ को उड़ा मुन्ना मस्त एकदम। ये दोस्तों यूएफओ को उड़ाया, और इसका यार ये वाले से उड़ाता मैं यहाँ पे, भैया ने जितनी व्हीकल लगाए सारी मैंने व्हीकल को मैं उड़ा लिया, और इनको नचाते इधर उधर। ये कितना मजा आ रहा है इसके अंदर में, गड्डी को फेंक दिया। भैया मेरे इससे निकलो अब। ओए मैं नहीं निकल रहा। ये भैया निकलो नहीं तो मैं वाली बटन दबा दूंगा जिससे तुम उड़ के अपने यहाँ पे गिर जाओगे। ओए ये क्या करा तूने, ओए मुझे फेंक दिया। ये भैया कैसा लगा? भैया अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं निकलोगे तो ऐसे फेंक दूंगा। ओए तूने अच्छा नहीं करा मेरे साथ में, ओए मेरी तो दम निकल गया। ए भैया अब मैं आ रहा हूँ। ए बाप रे मेरे को भी लग गया। फाइनली भैया तुम्हारे लिए मैं कुछ बना रहा हूँ। ओए क्या लेकर आ रहा है? हे दोस्तों ये स्पॉन क्यों नहीं हो रहा, लगता है कुछ क्लिच हो क्या क्या। हे शायद से मैं बेहोश हूँ शायद इसीलिए, अब मैं नॉर्मल हो गया, अभी ट्राई करता हूँ। ओए मुन्ना इधर आ मेरे पास आ, अबे मुझे उठा जल्दी से। हे भैया क्या हुआ यार तुम्हें, अरे कहाँ गायब हो गए? हे ओए मैं गायब नहीं हुआ, मैं आ गया ये देख। हे भैया मैं यहाँ पर दूसरा कुछ मंगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉप वगैरह देख रहा हूँ, इसमें TNT वगैरह भी मंगा सकते हैं। ओए मुन्ना अब यूएफओ तो मैं उड़ाऊंगा, ये यूएफओ मेरा हो चुका है, ओए इसके साथ तुझे भी उड़ा लूंगा। हे दोस्तों देख रहा इतना सारा TNT मैंने मंगा लिया है, भैया ने यूएफओ यहीं खड़ा कर दिया। यही मौका भैया का यूएफओ फेंक देता हूँ और इसमें एक नेट डाल दिया। ये भैया ओए इतना खोज क्यों हो रहा है तो? ये दोस्तों भैया बॉम्ब लेके घूम रहे, फटा भैया का। अरे बाप रे यूएफओ तो सही में उड़ गया, इतने ऊपर गया भैया। ओए ये क्या हुआ, इतना तेज में झटके क्यों लगे? ओए मेरे टकले में लग गया। ए भैया तुम्हारे टकले में लगा क्या? ये क्या है यार, इसमें नेड है, और मुझे लगता है दोस्तों ये मौत का कुआं बना रखा है क्या, ये तो स्केट करने के लिए होता है। मेरे ख्याल से गड्डी के लिए गड्ढा इतना लंबा क्यों गहरा। इसके अंदर मैं ये वाली गड्डी चलाऊंगा। ओ भाई साहब मैंने इससे पहले कभी ये गड्डी यूज नहीं करी, जरा ये वाली कार दिखते भाई कैसी है, ओ कुछ अलग सी है। और इसके पीछे मुझे लग रहा है नाइट्रोज इतना खतरनाक लेवल का,
वो भाई साहब इसकी स्पीड कितनी बढ़िया है, मस्त एकदम। और यार मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ। हे दोस्तों, लगता है भैया यूएफओ लेके एलियन के पास चले गए। अभी अपन स्टंट करते इस गड्डी से। मुझे तो लगता है भैया सही में गए क्या? सही में यार इसकी स्पीड बहुत ही बढ़िया है, और ये इतनी जल्दी डैमेज भी नहीं हो रही है। नहीं तो यार दूसरी गड्डी होती तो वो कबाड़ा बन जाती है। मुझे लगता है भैया तो ये एलियन के पास चले गए। और एलियन के पास नहीं, मैं ऑडियंस के बीच में आ गया। अबे ये मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। हे भैया छोड़ेंगे क्यों यार तुम्हें? तुमने उनके ऊपर यूएफओ गिरा दिया, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओए ऐसे कैसे हो सकता है? हे दोस्तों ये स्टंट करता मजेदार वाला, ये मैं कितना ऊपर गया। ओ भाई साहब मैं तो मैप के पूरा ऊपर हो गया, ये स्टंट करा मैंने मस्त वाला। ए दोस्तों क्या मजा आ रहा है। और यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार दोस्तों आपको आर्केड मोड की और भी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट में बताना, अपन और भी वबली लाइफ का आर्केड मोड लेकर आएंगे। और वबली लाइफ में कोई न्यू मिशन हो तो यार दोस्तों बताओ कमेंट में, अपन कोई न्यू मिशन ट्राई करेंगे। वैसे भी तो बहुत सारे मिशन बाकी है, लेकिन आप लोगों कोई मिशन चाहिए तो फटाफट से बताना यार। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ये मैं निकल गया इसके अंदर से, अब मैं करूंगा मौत को कुएं के अंदर स्टंट। भैया ओए तू स्टंट कर रहा है। हे दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरा प्यारा सा स्टंट। चलो बाय बाय।